Assalamu alaikum. My name is Ajit Bhatt. I'm a student of clinical psychology, University of Lahore. पहली वीडियो में मैंने काम किया था अर्ली रेडीनेस स्किल के ऊपर, बच्चों के साथ अर्ली रेडीनेस स्किल। उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसमें था बच्चों का आई कॉन्टैक्ट, फोकस, अटेंशन और उनका सिटिंग स्पैन। तो ये मेन चीज़ें हैं जो भी डिसऑर्डर के साथ बच्चे आते हैं, सबसे पहले हमने उनकी अर्ली रेडीनेस स्किल के ऊपर काम करना होता है कि वो बच्चा बैठे, सिटिंग उसकी बेहतर हो और जो है ना नेक्स्ट जो है हम उसके साथ जो है वर्किंग कर सकें। क्योंकि जो बच्चा आई कॉन्टैक्ट ही नहीं आपको देगा, जो उसकी सिटिंग स्पैन बेहतर नहीं होगा, तो वो फिर आगे फर्दर कैसे हमारे साथ वर्किंग करेगा। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो है, जो आप वीडियो में बनाने जा रहा हूँ, इसमें हम काम करेंगे सेल्फ हेल्प स्किल के ऊपर। अब बच्चा बेहतर हो गया है, बैठ रहा है, हमारी बात को सुन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेप ये है कि उसको सेल्फ हेल्प स्किल सिखाएंगे। वो क्या चीज़ें हैं कि कपड़े कैसे पहनने हैं, उतारने कैसे हैं, जूता कैसे पहनना है, जूता कैसे उतारना है, ब्रश करना है, हाइजीन के इसमें स्टेप्स आ जाते हैं। तो उसको नॉर्मल जो है वो जिंदगी गुजारने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसको हम कहते हैं सेल्फ हेल्प स्किल्स। कि उसमें खाना खाना भी उसमें उसके अंदर शामिल है कि खाना कैसे खाना है, आपने नैपकिन लगा के चम्मच कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें जो है ये सेल्फ हेल्प स्किल्स। तो इसके हवाले से पेरेंट्स के साथ ये इन्फॉर्म कॉन्सेप्ट साइन करवा लिया है और अब हम जो है वो बच्चों की सेल्फ हेल्प स्किल के ऊपर काम करेंगे। चलो यैया, अब खोलो बटन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब बटन बंद करने हैं, ये देखो। हाँ, इसको प्रेस कर दो, ऊपर से प्रेस करो ना इसको। हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ इसको इसके साथ मिला के, हाँ प्रेस कर दो ऊपर से, वेरी गुड। ये देखो ये ऐसे। हाँ वेरी गुड। अब नीचे वाला, ये वाला। हाँ इधर नीचे देखो, नीचे देखो तवज्जो करके, वेरी गुड जी। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि मुख्तलिफ बच्चों को मुख्तलिफ जो है सेल्फ हेल्प के तरीके सिखाए गए हैं, जैसे कि खाना खाना, शूज़ पहनाना, कपड़े पहनाना, कपड़े उतारना, शूज़ उतारना, ये सारी जो टेक्निक्स हैं ना, ये सारी जितनी भी स्किल्स हैं, इनको मुख्तलिफ टेक्निक्स के थ्रू करवाया जा रहा है। इसमें चेनिंग है, शेपिंग है, फीडिंग है, प्रॉम्प्टिंग है। सबसे पहले हम जो है बच्चे को जो है फ्रेम के ऊपर दिखाते हैं कि एक कमीज़ बनी हुई है, उसके ऊपर बटन लगे हुए हैं, तो वो बटन उसको हाथ से जो है पहले उसको करके दिखाते हैं। वो जब हम करके दिखा रहे हैं, इसको कहते हैं मॉडलिंग। मॉडलिंग के तरीके से हमने बच्चे को बता दिया कि ये ऐसे ऐसे आपने जो है ना ये बटन बंद करने और बटन खोलने हैं। नेक्स्ट पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि पहले बच्चों को जो है लेजिस बांधने के लिए उनको फ्रेम के ऊपर सिखाया कि ऐसे लेज बांधते हैं, ऐसे इसकी नॉट लगाते हैं। तो जब उन्होंने मुख्तलिफ टेक्निक्स के जरिए वो चीज़ें सीख ली, ठीक है, देन हम आगे जाएंगे शूज़ के ऊपर। शूज़ जो है ये पेरेंट्स से जो है ना गुजारिश की जाती है कि आप जो है ना बच्चों को चिप वाले या गम वाले शूज़ पहनाएं, लेसिस वाले शूज़ अभी स्टार्ट पे ना पहनाएं, ठीक है। जब बच्चा उससे फेमिलियर हो जाए, अच्छे तरीके से उसको वो शूज़ को बांध ले, फिर हम जो है वो लेसिस वाले शूज़ की तरफ आते हैं। अच्छा, गम वाले शूज़ की बात मैं कर रहा था, तो गम वाले शूज़ जो हैं वो सबसे पहले उनको बता दिए, उनको पिक्चर के ऊपर भी बता दिए कि ये शूज़ हैं, ठीक है। फिर उनको फिजिकल भी दिखाया कि पाँव में ये आपके पाँव में शूज़ हैं, तो उन्होंने देख लिए, हाँ जी ठीक है। फिर उनको जो है ना मॉडलिंग करके बताई, मैंने शूज़ जो है ना, मैंने भी गम वाले शूज़ पहने और उनको मैंने उतारा और नीचे रखा कि ऐसे उतारना है, ठीक है। और नेक्स्ट फिर बच्चों को बताया कि हाँ जी अब आप अपने शूज़ उतारें। जैसे कि पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, वो बच्चे ने जो है ना वो शूज़ उतार के पाँव जो है टेबल के ऊपर रखे हैं, तो मैंने बताया कि ये आपके फुट हैं। यानी कि साथ साथ चीज़ें उसको लर्न भी करवाते जाना, कि हर चीज़ वो लर्न कर दे कि ये चीज़ क्या है, अपने जिस्म के जो बॉडी ऑफ पार्ट्स है उसको भी पॉइंटिंग करना, वो समझ जाए कि ये चीज़ें जो है ना
ये मेरे बॉडी पार्ट हैं, ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे पाँव हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर हमने उसको जो है पाँव से रिकग्नाइजेशन करवा के हमने उसको फिर शूज़ दिखाया कि ठीक है ये शूज़ पहने। तो उसने फिर एक स्टेप किया, दो स्टेप किया, साथ साथ मैं उसको ना री इन्फोर्समेंट भी करते। री इन्फोर्समेंट तो मस्ट है ना, री इन्फोर्समेंट से जो है ना बच्चे में काम करने की एबिलिटी और बढ़ जाती है, उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है।